चित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, वैसे ही मैट्रेस है। इसका साइज है 3 फीट बाय 6 फीट और इसके अंदर 90 मैग्नेट्स लगे हुए हैं, 90। और एक सिंगल आदमी इसके ऊपर रात भर सोकर अपना जो हेल्थ है, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको सुधार सकता है। आप थोड़ा सा पीपीटी की तरफ देखते हैं, यहाँ पर ये राजेश गरत है, ये सोए हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा शेप अलग है, शूज पहन के सोए है, चलता है, थक गए बहुत। तो यहाँ पर ये राजेश गरत जी सोए हुए हैं, तो इनका शरीर जो है मैग्नेट के संपर्क में है, दिख रहा है आपको, समझो ये मैट्रेस है, मैट्रेस में 90 मैग्नेट्स लगे हुए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल फेसिंग। अब यहाँ पर राजेश गरत जी सोए हुए हैं, तो उनके शरीर में जो आयन पार्टिकल्स है, हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयन पार्टिकल्स, तो ये आयन पार्टिकल्स को ये मैग्नेट जो है पुश एंड पुल करते हैं। आयन पार्टिकल पूरे शरीर में तोड़ते हैं, भागते हैं और पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये ऐसा मैग्नेट है, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के मैग्नेट जो है इसके अंदर लगे हुए है। और ये जो मैग्नेट है, इसके जो गुणधर्म है वो क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और पेन किलर है, तो दोनों चीजें हैं। इसके फायदे हम लोग आगे देखेंगे। इसके साथ में एक पिलो पैड भी आता है, पिलो पैड के ऊपर सोने के बाद आपका जो स्ट्रेस टेंशन जो है वो थोड़ा रिलैक्स या दूर होता है। दिवस भर पैशाचे व्यवहार, उधारी, याची टोपी टेला त्याची टोपी येला, हे म्हणजे जे असेल ना, ओके, त्याच्यापासून हे तुमचा हे करतं, म्हणजे याच्यावरती झोपल्यानंतर इन्सोमिनिया, कुछ लोग जो दादा हसी आ रहे, मतलब उनका डेली का काम है। तो इसके ऊपर सोने के बाद आपका जो स्ट्रेस टेंशन है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वाटर एनर्जी पैड, और इसको थोड़ा बॉटल दिखाइए ना, ये ऐसा है, ऐसा रहिए थोड़ा देर के लिए। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस और पिलो पैड समझ में आया, आप हाँ बोलोगे तो ही मैं आगे जाऊंगा, ओके पक्का। अब हमारा शरीर जो है, थामा सर, घर सर थोड़ा थामा, तुम्हारा बन जरा, हमारा शरीर जो है 70% किससे बना है, पानी से बना है, ओके। फिर भी हमारा शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है और बहुत सारा तकलीफ होता है। रीज़न क्या है कि जो पानी हम लोग पीते हैं वो हमारे शरीर को पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। रीज़न क्या है, पानी का हम लोग थोड़ा सा जर्नी देख लेते हैं। जो पानी हमारे घर में आता है वो नगर पालिका के टाकी में होता है, टैंक में पहले होता है 2-3 दिन 4-5 दिन, उसके बाद वो पानी हमारे वाटर टैंक में आता है, उसके बाद हमारे वाटर प्यूरिफायर में अगर होगा तो उसके बाद ये बॉटल में आता है, ये सुनो। तो पानी एक जगह पर रुकने के बाद पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि ग्रेप्स का गुच्छा है, समझो। राजेश गरत जी ने यहाँ पर ग्रेप्स लाया 0.5 किलो, तो ऐसे खा पाएंगे क्या उसको, कैसे खाना पड़ेगा उनको, जोर से बोलिए, थोड़ा सा थोड़ा कम सुना देता मुझे, तोड़ के खाना पड़ेगा ना, तोड़ तोड़ के, क्योंकि उनका मुंह का साइज छोटा है और ग्रेप्स ज़्यादा है। तो वैसे ही हमारे सेल्स जो है ना, सेल्स, ब्लड सेल्स, उसका जो मुंह बोल सकते हैं उसको, उसका जो साइज है छोटा है, मॉलिक्यूल छोटा है और पानी का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे गुच्छे को हम लोग तोड़ते हैं उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं एंटी क्लस्टरिंग। वो एंटी क्लस्टरिंग करने का काम ये वाटर एनर्जी पैड करता है। आप अगर पानी के बॉटल को ऐसे रैप करके रखोगे 15 मिनट के अंदर ये पानी को मैग्नेटाइज बनाता है और पानी के पूरे गुंधर्म जो है, ये मैग्नेट के पूरे गुंधर्म है पानी में आ जाते हैं, और वो पानी अगर हम लोग पियेंगे तो 70% पानी जो है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। और इसके पहले उल्टा था, 30% फायदेमंद, 70% फ्लश आउट, ठीक है। तो समझ में आपको वाटर एनर्जी पैड, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट है मोबाइल रेडिएशन। हम लोग दिन भर न जाने कितने ज़्यादा मोबाइल रेडिएशन हो या रेडियो एक्टिव सिग्नल हो, वाईफाई सिग्नल हो, या न जाने कौन से सिग्नल होते हैं, इनके संपर्क में रहते हैं। इसके कारण हमारा जो शरीर है अंदर से स्ट्रेंथ खो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, स्ट्रेंथ जो है कम होती है हमारी, उसका डेमो भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी रेडिएशन बेल्ट को यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है इसके अंदर कितने मैग्नेट होते हैं, 90। पीलो के अंदर होते हैं 20 मैग्नेट्स। इस वाटर एनर्जी पैड के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के 40 मैग्नेट होते हैं और हमारे ये आविष्कारी बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट के अंदर 33 मैग्नेट होते हैं।
इंडिया का पहला ऐसा ब्रेसलेट है जिसके अंदर 33 मैग्नेट होते हैं, ठीक है। हाँ बांधा बांधा। अब अगर आपका बीपी हाई है तो इसको राइट साइड में बांध सकते हैं। किसी ने बांधा राइट साइड में? हाँ, इनका बीपी कायम हाई रहता है इसलिए बांध के रखते हैं। अगर लो है तो लेफ्ट में बांध सकते हैं। अगर हेडेक है तो जरा बांध के दिखाइए, हेडेक है तो ऐसा बांध के रख सकते हैं। अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो पीछे के साइड से बांध सकते हैं, पीछे के साइड से भी बांध सकते हैं। एक ही ब्रेसलेट है जिसको 3-4 अलग अलग जरूरतों के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसे क्रांतिकारी बेल्ट के लिए एक बार क्रांतिकारी टालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में एक खड़े रहिए आप, हमारे बीच में एक व्यक्ति है जिनका थोड़ा सरदर्द हो रहा था, बराबर कि नहीं, तो इन्होंने सर पर बांध के रखा है, कोई शर्म नहीं है, इनके लिए एक बार जोरदार टालियां। तो ये वाटर एनर्जी पैड हमने देखा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर होना या ऑक्सीजन लेवल का मेंटेन होना या रेडिएशन से बचाव होना, तीनों चीज़ें इससे होती है। इसके कुछ इमीडिएट रिजल्ट है, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद में ऑक्सीजन लेवल, डिजॉल्व ब्लड ऑक्सीजन लेवल, मेरे पीछे बोलिए, डिजॉल्व ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ये साइंटिफिक टर्म कोरोना के पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा मेंटेन हो जाता है, उसके बाद में बॉडी पेन से हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, फिर उसके बाद में अच्छी नींद आना या पेट साफ होना या एनर्जी लेवल मेंटेन होना या फ्रेश फील होना, इसके कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स है जिसके हम लोग कुछ टेस्टिमोनियल्स में हम बाद में देखेंगे। तो ये क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, इतनी सारी डिसीजेस पे ये काम करता है। बीमारी से बाहर आने के लिए हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, इस टर्म को थोड़ा समझ लीजिए, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है। इम्यूनिटी पावर डाउन होती है मतलब क्या होता है कि हमारे सेल्स वीक है, क्योंकि सेल्स स्ट्रांग तो बॉडी स्ट्रांग, यस और नो? तो सेल्स को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को अच्छा फंक्शन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रोवाइज करना जरूरी है, और वो चीज हमारे प्रोडक्ट करते हैं। इन सारी बीमारियों से जल्दी रिकवर करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, यस और नो? जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो इम्यूनिटी पावर चाहिए, वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम ये मैग्नेटिक मैट्रिक्स करता है, ठीक है? यहां तक समझ में आया?